राजधानी शिमला में भारी बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। जगह जगह पेड़ गिरने के साथ ही लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। विकास नगर में फिर से हाउसिंग कॉलोनी में पेड़ छत पर आ गिरे, जिसके चलते भवन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। पेड़ गिरने के चलते भवन में रह रहे करीब 15 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान मौके पर पहुंचे और साथ में खतरा बने पेड़ों को मौके पर ही कटवा दिया गया। इसके अलावा महापौर अधिकारियों के साथ शिमला शहर में अलग अलग क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे। महापौर ने हिमलैंड टूटीगंडी पुलिस लाइन कुसुमटी छोटा शिमला में भी लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने के चलते हुए नुकसान का जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। नहीं, जान माल का नुकसान नहीं है, लेकिन माल का नुकसान तो हुआ है। छत भी टूटी है, टैंकियाँ भी टूट गई है अंदर। छत तो मुझे लगता है पूरी डैमेज हो चुकी है, क्योंकि उसमें पानी ही पानी अंदर भर गया और लोग उसमें नहीं रह रहे मकान के ऊपर। C41 का जो पूरा ब्लॉक है उसका तो इसमें 10 से 15 फैमिलीज रहती है, वो तो सारी शिफ्ट कर गए, तो उसमें अंदर तो सारा सामान ख़त्म हो गया हुआ है। लेकिन और पानी पानी अंदर उसमें किया नहीं जा सकता कुछ भी, अब तो उसको सिर्फ नुकसान बहुत हुआ है। पहले भी 2 पेड़ गिर चुके थे, आज सुबह सुबह 7 बजे 2 पेड़ गिरे हैं। हमने जल्दी जल्दी मेयर साहब को सूचित किया, वो जल्दी से मौके पे आए और त्वरित एक्शन लेते हुए एक और पेड़ बड़ा जो खतरा बना हुआ था उस पेड़ को काट दिया गया। पहले भी बहुत कंप्लेंट कर चुके थे, ट्री कमेटी वगैरह सब अपने फॉरेस्ट MC अपना गेम खेलते रहते हैं और करते रहते हैं कि काटेंगे वो काटेंगे और कुछ नहीं होता था, पर अब मेयर साहब हमारे आए हैं, थोड़ी एक्शन लेते हैं। ये इस वजह से नुकसान तो बहुत हुआ है। अभी 2 पेड़ और हैं जो कि अभी नीचे से बिल्कुल खाली हैं, वो भी कटवाएगा जाएंगे, टाइमली कट जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो और नुकसान हो सकता है। जी जी, मैं जियालाल, मेरा नाम जियालाल है, मैं सेंट्रल वाटर कमीशन में जॉब करता हूँ। मेरे को डिपार्टमेंट ने C41 पर लबे में जो है वाटर लॉक किया था। यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते से जो 2 पेड़ गिरे हैं, उसके अलावा आज सुबह फिर 2 पेड़ गिर गए, जिससे कि हमें जो है ना काफ़ी दहशत फैली थी। और मेरा रूम भी जो है ना टॉप फ्लोर से बिल्कुल नीचे वाले में है। आज भी परिस्थिति वैसे ही बन गई कि भाई रात भर जो है ना हम सो नहीं सकते और सही तरीके से अपने को जो है ना जीवन यापन नहीं कर सकते। इस पेड़ के साथ साथ अभी 2 पेड़ का और खतरा बना हुआ है, जो कि कभी भी ये हमें क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ, अपने डिपार्टमेंट से भी एक मांग करता हूँ कि भाई इन पेड़ों को जल्द से जल्द रिमूव किया जाए, ताकि हमारी जान माल का हमारी जान माल को सुरक्षित हो सके।